नमस्कार दोस्तों, आप और मैं देख रहे हैं PNG न्यूज चैनल। और दोस्तों, आज हम यहाँ पे सूरत में जीरो ग्राउंड डुमस जो बीच है वहाँ पर हम लोग आकर आपको ये सब तस्वीरें आपको भेज रहे हैं। तो आप वो देख रहे हो, जैसे कि यहाँ पर बड़ी ऊंडी ऊंडी लहरें एकदम ऊंची ऊंची उड़ रही है और समंदर के किनारे के साथ टकरा रही है, वो भी आप देख रहे हो। यहाँ पर इतना भय का इतना खतरनाक माहौल यहाँ पे फैला हुआ है और यहाँ पर ये पूरा डुमस बीच जो है वो पूरा छावनी के अंदर ले लिया है, ऐसा लग रहा है। और यहाँ पर दोस्तों, किसी भी लोगों को यहाँ पर आने का भी अलाउड नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो ये तूफान के चलते हुए इतने ऊँची ऊँची लहरें जो उड़ रही है उसके कारण कहीं किसी को भी चोट ना लग जाए या फिर कोई बड़ी तरीके से कोई घायल ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर ये पूरा एरिया सील कर दिया गया है। कैमरामैन सुनील भाई के साथ परसोत्तम, PNG न्यूज लाइव। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये डुमस बीच है, यहाँ 5 दिन से पूरा बंद पड़ा है और इतना भय का माहौल है। और ये मंदिर के पीछे तरफ पानी रहता है 200-300 मीटर दूर, और आप देख सकते हैं कि मंदिर के पास पूरा आ गया है और धीरे धीरे पानी बढ़ता ही जा रहा है। और यहाँ जिस हिसाब से दुकानदार और सबको हटाया गया है, पब्लिक को 5 दिन से आने की मनाही है, दुकानदार वगैरह सबको यहाँ से पलायन किया गया है। भय का माहौल है, ये आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग आज देख रहे हैं, ये तूफान के चलते हुए सूरत के जो डुमस के समंदर जो है वो किनारा, समंदर किनारे पे यहाँ पर इतना खतरनाक माहौल क्रिएट हुआ है, वो भी हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर ये डुमस बीच के अंदर एंट्री होने का ये जगह है और यहाँ पर एक लगा हुआ है कि बीच बंद है आज। तो यहाँ पर अभी देखिए, कोई आदमी या कोई चीज़ कुछ जानवर भी यहाँ पर दिख नहीं रहा है, इतना भय का और डर का माहौल यहाँ पर फैला हुआ है। और यहाँ पर इतनी कड़ी सुरक्षा लगाई गई है वो भी हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग अभी आगे जाकर देखते हैं कि भाई यहाँ पर मतलब कैसे बंदोबस्त वगैरह सब लगे हुए हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रही है कि हम लोग आए यहाँ पर डुमस पर, ये जैसे डुमस में, और आज यहाँ पर इतना भय का माहौल है और 5-5 दिन से ये डुमस पूरा बंद किया गया है ये तूफान के माहौल को देखते हुए। और यहाँ पर कोई मतलब कोई भी इंसान को आने की यहाँ पे परमिशन है नहीं, ताकि यहाँ पर कोई बड़ा हादसा होने से अटक जाए, और उसके कारण यहाँ पर ये पूरा डुमस बीच बंद किया गया है। यहाँ से थोड़ी दूर पे समंदर किनारा आ रहा है, तो वहाँ पर भी मैं आपको थोड़ी देर में लेके जा रहा हूँ। और ये आप देख रहे हैं, पूरी दुकानें वगैरह सब कुछ यहाँ पर पूरा बंद पड़ा हुआ है पिछले 5 दिनों से, कि कहीं पर यहाँ पर कोई बड़ा तूफान से कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। और पर्यटक लोग यहाँ पर, कई सारे लोग घूमने आते हैं तो उसको कहीं पर लग ना जाए चोट वगैरह, उसके कारण ये देखने के लिए ही उसके कारण यहाँ पर ये पूरा बंद किया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे और भी देखते हैं। यहाँ पर कई सारे लोग भी मतलब कोई यहाँ पर दिख नहीं रहा है यहाँ पर।